हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर का जो पार्ट फोर्थ है वो लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट थ्री तक मैंने अपलोड कर दिया, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इफ द लाइन्स गिवन बाय 4x + 3ky = 5 एंड 3x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल। बच्चों, अगर ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो दी हुई हैं, वो अगर पैरेलल है तो बताइए के की क्या वैल्यू होगी। बेटा, पैरेलल लाइंस के लिए आपने बहुत अच्छे से कंडीशन सीख रखी है, a1/a2, b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होती है। लेकिन बच्चों, उसने हमसे पूछा है के की क्या वैल्यू होगी, तो हम इस नॉट इक्वल को लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होगी ये पूछा है। बेटा, a1 की जगह तो 4 आ जाएगा, A2 की जगह 3 आ जाएगा, B1 की जगह यहां से क्या आएगा 3k, और B2 की जगह क्या आएगा यहां से 5। बस इतनी ही हमें नीड है, इतना ही हम लेंगे। के बच्चों, 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा ऊपर 20 और 3 नीचे आके 3 3 9, 20/9 एंड दिस इज ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल कंडीशन याद रखनी है, पुट करना है। बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही सिंपल है ना, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। 2 sin² 30, बच्चों साइन 30 की वैल्यू क्या, 1/2 का स्क्वायर। 3 cos 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 का स्क्वायर। 10 sin 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। 1/4 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 1/2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर। बच्चों, ये 2 से 2 टाइम्स कट गया, यानी कि 1/2 माइनस का 3/2 और प्लस का 3, सही है। यहां से देखिए, करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस के 3/2 है, अगर प्लस का हाफ गया तो माइनस का 1 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि बी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ सभी को, वैल्यूज पुट करनी थी। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है, दो इक्वेशन दिए हैं, इफ x - y = 5 एंड दिस इज इक्वल टू 6, तो y की क्या वैल्यू होगी। बेटा, y की वैल्यू निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, लेकिन इसमें x को एलिमिनेट करिए। कैसे, x - y = 5 है एक तो, इफ 4x + 3y = 6 है। x को एलिमिनेट करिए, सीधा y तो भी निकलेगा, यानी कि x को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये भी 4x हो जाए और ये इससे कैंसिल हो जाए। तो बच्चों, पूरे में मल्टीप्लाई होगा 4x - 4y, 4 5 20, ये एज इट इज। माइनस माइनस माइनस, पता है ना सबको, साइन चेंज करते हैं, अगर साइन सेम होते हैं कैंसिल, माइनस के कितने 7y, साइन चेंज होने के बाद अब इसके लिए नीचे वाला साइन माना जाता है, और 20 में से ये गया तो 14 प्लस का बचेगा, तो बेटा y की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, ये कटेगा, माइनस 2 मतलब ए ऑप्शन होगा। क्लियर हो पाया सबको? देखिए बेटा, एक बैग है, अब बैग कंटेन्स 35 कार्ड्स हैं, जिसके अंदर 1 to 35 तक नंबर पड़े हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक कार्ड निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 7, जो उस कार्ड पे नंबर आए ना वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, 7, 14, 21, 28 और 35, ये 5 कार्ड ऐसे होंगे जिन पर वो नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, सही है, यानी कि सिर्फ फेवरेबल में कितने हैं 5 कार्ड्स, और टोटल कितने बच्चों 35, तो आंसर क्या आ गया 1/7, 5 से कट जाएगा 7 टाइम्स, आंसर आ गया 1/7, बहुत सिंपल था। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वाला, कह रहा है 3-digit numbers आर मेड यूजिंग द डिजिट्स 6, 4, 8 विदाउट रिपीटेशन। बेटा, आपको एक 3-digit number बनाना है, लेकिन वो 3-digit number सिर्फ और सिर्फ 6, 4 और 8 को यूज करके बनाना है, बाकी आप 0, 1, 2, 3 कोई डिजिट यूज नहीं कर सकते। विदाउट रिपीटेशन मतलब ऐसे नहीं है कि आप बार बार लिख दो 666, नो, आपको एक डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज करना है, ठीक है,
आपसे कह रहा है इफ अ नंबर अमंग देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर ऐसा एक नंबर हमने सिलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर 9 का मल्टीपल होगा। तो बेटा मल्टीपल तो बाद में चेक होगा, पहले ये तो देखो कि नंबर कौन कौन से होंगे ऐसे जो 3 डिजिट हो, उनसे मिलकर बने हो, रिपीटेशन हो नहीं रहा हो। भैया नंबर सी वाले होंगे, एक तो 648 होगा। अच्छा 3 डिजिट नंबर तो पता है ना, 100 से चालू होते हैं और 999 पे खत्म हो जाते हैं। 648 हो गया। अब बच्चों 6 को तो ऐसे ही छोड़ दो, पहले वाले को 48 को उल्टा कर दो 84, यानी कि 6 से स्टार्ट होने वाले सिर्फ ये दो ही बनेंगे। देखो रिपीट तो नहीं हो रहा, एक बार में एक ही आ रहा है। अब 4 को पकड़ लो, 468, 4 को पहले रख लिया 68, अब 68 को उल्टा कर दो 486, तो 4 के दो बन गए, 6 के बन गए, अब 8 के बना लो 8 4 6 और 864, सही है। 6 से ज्यादा बनेंगे नहीं, आप भले बना के देख लीजिए, एक बार में एक ही डिजिट यूज होनी चाहिए और 648 से ही आपको बनाना है, ठीक है। तो बेटा ये 6 नंबर हो गए। अब जल्दी जल्दी हम चेक करेंगे, क्योंकि उसने पूछा एक नंबर निकाला क्या प्रोबेबिलिटी है को 9 से डिविजिबल हो। बेटा ये 9 से डिविजिबल है, चेक करना पड़ेगा, चाहे डिविजिबिलिटी ला ली चाहे जल्दी जल्दी कर लीजिए। 9 7 9 7 63, 9 2 बिल्कुल है 9 से है, 9 7 63, 9 6 54 बिल्कुल है, 9 से 9 5 45, 9 2 18 है। 9 से चेक करेंगे 9 5 45 36, 9 4 36 है। 9 से चेक करेंगे 9 9 81, 9 4 36, 9 से 9 9 81, 9 6 54। बेटा सारे नंबर्स हैं, सबके सब 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 नंबर हैं जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फेवरेबल कितने हो गए 6, है ना, और टोटल कितने हैं वो भी 6 हैं। तो बेटा आंसर आ गया इसका 1, टोटल 6 हैं और 6 में से 6 के 6 डिवाइड हो रहे हैं 9 से, तो वो फेवरेबल भी 6 हो गए ना, तो ये आंसर हो गया 1। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, सिंपल भी था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देख के मुझे कुछ याद आया बच्चों, इससे ऐसे ही क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डेली PYQ सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक्स में सारी की सारी चीजें करा रहा हूं आपको डेली। अनअकैडमी पर मैं डेली 9 PM पर एक क्लास ले रहा हूं, पहले 8:30 PM पर चल रही थी, अभी 9 PM पर चल रही है। डेली लाइव क्लास लेता हूं एक 9 PM पर, जहां पे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूं, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे जब 20-30-40 जो है स्टूडेंट्स होते हैं और पोल होता है 40-50 स्टूडेंट्स के बीच में, तो मजा आता है, आपकी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, गलतियां भी पता चलती हैं। तो सभी स्टूडेंट्स मेरी वो वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं देखिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा सारी क्लासेस का, आप ज्वाइन करिए, मेरा इनवाइटिंग कोड लगाइए mohitsir10 और मेरी क्लास में आइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, सबसे बड़ी बात कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रैक्टिस करिए खूब। और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो चीजें जरूर मैं आपको एक बार बता देता हूं PPT की हेल्प से, एक मिनट लगेगा, देखिए। हेलो बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा था कैसे अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं। बच्चों आपको मेरा इनवाइटिंग कोड लगाना है mohitsir10, ताकि आप लोगों के लिए सारी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपना फ़ोन नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए, लैंग्वेज चूज कर लीजिए जो भी आप लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, और इधर 6 to 12 कैटेगरी में प्रोसीड करेंगे। बच्चों आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जैसे ही आपसे यहाँ पे अनलॉक करने के लिए, प्लान करने के लिए इनवाइटिंग कोड पूछेगा, तो आप mohitsir10 लगाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सारी क्लासेस फ्री हो जाएंगी। बेटा आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे ही आप यहाँ पे जब लॉगिन करके अंदर आएंगे, बीच में एक सेल्फ स्टडी का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस आपको दिखाई देंगी। आप यहाँ पर मेरा नाम डाल के, मोहित अग्रवाल मेरा नाम डाल के भी मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे पेज पर पहुँच सकते हैं। फ्री लाइव क्लासेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको सारी लाइव, ट्रेंडिंग, अपकमिंग, कंप्लीटेड सारी क्लासेस दिखाई देंगी, सी ऑल करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। प्लान mohitsir10 डालेंगे, जैसे ही रेफरल कोड, प्लान फ्री हो जाएगा। बच्चों आपके लिए कोर्सेज और बैचेस भी हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, वही सेल्फ स्टडी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कोर्सेज एंड बैचेस, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे बैचेस आपको दिखाई देने लग जाएंगे, जो भी इस समय बैच चल रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं,
तो आप इन्हें भी अवेल कर सकते हैं। आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड डालकर प्रस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बेटा इसी इंटरफेस में आपको एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी दिखाई देगा, देखिए फ्री क्लासेस के ऊपर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सारे टेस्ट दिखाई देने लग जाएंगे, ऑल अपकमिंग ऑनगोइंग। आप कोई भी टेस्ट यहाँ पर क्लिक करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेज अ हैंड का बहुत ही बेहतरीन फीचर है। ये जो भी बच्चे प्लस ज्वाइन करते हैं मेरे रेफरल कोड के साथ मोहित सर 10 के साथ, उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है। जो बच्चे प्लस पे आते हैं वो इस फीचर को जब क्लिक करते हैं, रेज अ हैंड पे जब क्लिक करते हैं, तो अपने एडुकेटर से बात कर सकते हैं, अपने एडुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे डाउट्स पूछ सकते हैं बिल्कुल बोल करके। ठीक है, ऑडियो के साथ। बेटा यहाँ पे आप डाउट पूछने का एक और आपके पास में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप देख पा रहे हैं आस्क अ डाउट का एक फीचर है प्लस वाले बच्चों के लिए, जहाँ पर आप अपनी इमेज को अटैच करके जैसे ही सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे वो मैं बता देता हूँ, ये रहा बेटा इसी इंटरफेस में आपको यहाँ पे डाउट्स एंड सॉल्यूशंस का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लिक करेंगे आस्क अ डाउट का फीचर दिखाई देगा, आपका जो भी डाउट का इमेज है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे अपनी क्वेश्चन को, और यहाँ पर आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा जिस पर आप व्यू करके देख सकते हैं। बेटा आप जो भी बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ, इंटरफेस पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन का साइन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्लान दिखाएगा कितने महीने का। यहाँ पे व्यू ऑल प्लान्स पे करेंगे तो आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है मोहित सर 10। रेफरल कोड इनवाइटिंग कोड एक ही है हर जगह, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप फ्री क्लास देख रहे हैं या फिर आप पेड क्लास सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, रेफरल कोड एक ही चलेगा मोहित सर 10। ठीक है, जैसे ही आप ये डालेंगे आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। और देखिए पूरा फी स्ट्रक्चर है, ये प्लस वाला और ये आइकॉनिक वाला सिलेक्ट कर लीजिए, ये प्लस पे सिलेक्ट है, ये आइकॉनिक पे सिलेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा फी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, 10% ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड डालेंगे। बच्चों ये अनअकैडमी के पेड फीचर्स हैं, आप अपने घर से कभी भी किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं, सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं अनलिमिटेड, कितना भी पढ़िए कितना भी कोर्स देखिए, सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स हैं इंडिया के प्लेटफॉर्म के में। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, पूरा सिलेबस का कवरेज आपको किया जाएगा, मेंटर्स आपके मिलते हैं, गाइडेंस आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है और बैच कोर्सेज होते हैं। जिस क्लास में भी आप हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन करके आप एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सकते हैं। और देखिए बेहतरीन बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है बच्चों इस समय पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। क्या जो भी बच्चे 9th, 10th में हैं और IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो वो फाउंडेशन प्लस IIT JEE कर सकते हैं। कैसे, अगर आप 2 साल का कॉम्बो बाय करते हैं, कॉम्बो लेते हैं यहाँ पर, तो बेटा 2 साल तक तो आपको फाउंडेशन मिलेगा और आपको अभी से IIT JEE कैटेगरी में जाने का मौका मिलेगा, जो कि मतलब आपके हो गए 4 साल, क्योंकि 2 साल तो 9th और 10th, फिर 11th और 12th, 2 साल, तो टोटल हो गए 4 साल, 2 साल का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल रहा है। फाउंडेशन भी पढ़िए, IIT JEE कैटेगरी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये वाली कैटेगरी 4 साल के लिए हो गई, बेहतरीन तैयारी हो सकती है आपकी। एक्चुअल प्राइस वैसे इतना है लेकिन इस समय ऑफर चल रहा है 61,774 का। जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो उनके लिए भी यही है, 2 साल का अगर कॉम्बो लेते हैं तो 2 ईयर्स तो उनको फाउंडेशन मिलेगा, 9th 10th पूरा फाउंडेशन का, और 4 साल उनको नीट की तैयारी का यहाँ पे मौका मिल रहा है। 9th से ही उनका नीट की कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग के 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। एक्चुअल प्राइस ये है 75,500, लेकिन इस समय ऑफर चल रहा है 57,576 ओनली। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें रेफरल कोड मेरा ही लगाना है मोहित सर 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। और बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी सारी स्पेशल क्लासेस के लिंक दे दिए हैं, जहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरे पेज पे, सीधे मेरी क्लासेज में पहुँच जाएंगे। मैंने वहाँ पर अपना इन्वाइटिंग कोड डाला है मोहित सर 10, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, अभी की अभी देखिए और प्लस पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, मैं आपका वेट करूंगा। लेट्स क्रैक इट, थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों, इफ द
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको दो इक्वेशंस दिए, इनका जो सिस्टम है वो आपको दिया हुआ है। इफ द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर बच्चों इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है तो ए की सारी रियल वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट, किसे छोड़ करके ए की सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, सही है। ए वन की जगह कितना आएगा टू, ए टू की जगह थ्री, नॉट इक्वल बी वन की जगह ए, बी टू की जगह कितना माइनस का फाइव। तो बेटा ए इज नॉट इक्वल टू कितना माइनस का टेन अपॉन थ्री, मतलब ए की वैल्यू यहां पर माइनस का टेन बाय थ्री नहीं हो सकती, नॉट इक्वल ना। तो वो यही तो पूछा है कि ए की सारी वैल्यूज आ सकती हैं एक्सेप्ट किसे छोड़ करके, इसे छोड़ करके ये नहीं आ सकता, यानी कि माइनस टेन बाय थ्री इसका आंसर होगा। समझ में आया सभी को, बहुत सिंपल था, बस कंडीशन याद रखनी थी और लगाना था। बेटा आपसे कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, कोई एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफेरेंस 528 है। बच्चों सर्कमफेरेंस 528 दिया है मतलब 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई की आर 22 अपॉन 7 रेडियस, ठीक है। यहां से डिवाइड करिए पहले 264, 11 से 2 11 24, 2 से बेटा 12, तो r आ गया 12 इंटू 7 कितना है 84। आपसे पूछ क्या रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, ओह रेडियस ही पूछ रहा है, 84 इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से 30 सेकंड्स। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 38 यहां पे लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज 7 सेंटीमीटर एंड टू रेडियाए ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। बेटा आपसे यहां पे बोल रहा है एक सर्कल है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज 7 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर से रेडियस जो बन रही है 7 बन रही है और दो रेडियाए बनाई हैं ओ ए और ओ बी, मान लीजिए ऐसे करके OA और OB दो रेडियस हैं 7 सेंटीमीटर और दोनों जो रेडियस हैं वो 90 डिग्री एंगल बना रही हैं सेंटर पे ऐसे करके, ठीक है एक दूसरे के साथ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा बेटा, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं सेगमेंट। तो ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा की जगह 90, बेटा पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो यही लगाइए रेडियस 7 इंटू 7 हाफ 7 इंटू 7 और साइन थीटा की जगह 90, समझ में आ गया। ये कट जाएगा बच्चों 4 टाइम्स, ये पूरा ये 2 से 2 2 से 11 टाइम्स, तो बच्चों 77 अपॉन 2 आ जाएगा ये, सही है ना 77 अपॉन 2 और माइनस, बेटा ये आपका साइन 90 तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं है 49 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये 2 एलसीएम आ गया, इसमें से गया कितना बचेगा 28 बचेगा, यस 28 अपॉन 2 मतलब 14, बच्चों 14 का मतलब बी इज द आंसर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भले नहीं लगी हुई है समझने वाली बात है अंडरस्टूड है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। सब बच्चों को क्लियर है, सिंपली फॉर्मूला लगाया और हमने आंसर निकाल लिया। तो बच्चों ये था सैंपल पेपर 1 का पार्ट 4th, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, मैं चारों पार्ट आपको मैंने क्वेश्चंस बताए कैसे करने हैं, जल्दी जल्दी भी करने हैं, फॉर्मूले आपको मैंने बताए, ट्रिक अगर किसी में लगी तो वो मैंने आपको समझाया कैसे करना है। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने आपको अभी जो बताया अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है सभी बच्चे उसको जरूर अटेंड करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है डेली और मैं लाइव रहता हूँ,
मेरा इनवाइटिंग कोड लगाइए और सभी बच्चे इनको अवेल करिए। बच्चों आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। अगली वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।